मित्रों नमस्कार। सिद्ध आयुर्वेद चैनल पर आपका स्वागत है और आज फिर एक महत्वपूर्ण नुस्खा आपके सामने प्रस्तुत है। और फिर आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि कमेंट में अपना मोबाइल नंबर कदापि न डालें, उस कमेंट का हम जवाब नहीं देते। तो आज का जो विषय है वो है पसीना अधिक आना और हाथ पैरों में जलन होना। देखिए, आप परिश्रम कर रहे हैं या गर्म मौसम में कार्य कर रहे हैं या धूप में हैं तो पसीना आना स्वाभाविक है, परंतु इस परिस्थितियों में भी यदि पसीना शरीर में अधिक आता है और हाथ पैरों में जलन हो जाती है, रात में सोते समय भी आप देखते हैं कि हाथ पैरों में जलन हो रही है, तो ये एक बीमारी कहलाती है। कई व्यक्तियों को खाना खाते समय ही बहुत पसीना आता है, कई व्यक्तियों को सेक्स के टाइम बहुत पसीना आता है, कई व्यक्तियों को सोते समय बहुत पसीना आता है, तो ये सारी विपरीत परिस्थितियां हैं और इसी प्रकार से हाथ पैरों में जलन होगा। इसके लिए मैं आपको बहुत ही साधारण औषध बता रहा हूं। ये दो औषध हैं और दोनों आपको आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर से मिल जाए और किसी भी प्रकार का साइड इफेक्ट, कोई हानि इनसे नहीं होती। आपको लेना है सीतोपलादी चूर्ण और प्रवाल पिष्टी, बस ये दो औषधियां हैं। सीतोपलादी चूर्ण आधा से 1 ग्राम और उसमें प्रवाल पिष्टी को मिलाना है 2 रत्ती। एक रत्ती होती है एक चावल के दाने के बराबर, तो आपको 2 रत्ती उसमें मिलाना है और सुबह शाम खाना खाने से पहले इसको आप शहद या मक्खन में मिला करके चाट लिया करें और ऊपर से हल्का सा गुनगुना पानी पी लिया करें। तो इस प्रकार से निरंतर आप इसका प्रयोग करेंगे तो आपको इस परेशानी से छुटकारा मिल जाएगा और अन्य किसी भी प्रकार की परेशानी आपको उत्पन्न नहीं होगी। देखिए, सीतोपलादी चूर्ण जो है वो कफ को शांत करने वाला होता है और प्रवाल पिष्टी हमारे शरीर में जो व्याप्त गर्मी है उसको निकाल बाहर करती है और उसको शांत करती है। तो ये दोनों मिलकर के जब एक कॉम्बिनेशन बनता है तो ये अपना अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान आपके शरीर में पैदा करते हैं। तो इस प्रकार से आप लाभ उठाएं। और इस बीमारी के विषय में कई भाई बहनों ने कई बार मुझसे रिक्वेस्ट कर चुके हैं, आज उनकी शिकायत मैंने दूर कर दी है। आप इसको बनाएं और प्रयोग करें, ये दोनों औषध आपको बाजार में तैयार मिलेगी, इनको बनाने की आवश्यकता नहीं है, केवल आपको प्रयोग करते समय आपस में मिक्स करना है और प्रयोग करना है। तो भाइयों बहनों, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि ये महत्वपूर्ण नुस्खे सबसे पहले आप तक पहुंचते रहें और आप इनका निरंतर लाभ उठाते रहें और पूरे परिवार को इसका लाभ देते रहें और जन जन तक आयुर्वेद को पहुंचाने का हम सब का कर्तव्य है। आप वीडियो को लाइक करें और शेयर अवश्य किया करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।